दुनिया के साथ सबसे फेमस वंडर्स में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे लंबी वॉल इतनी बड़ी है कि अगर आप इस वॉल के एक एंड से दूसरे एंड तक पैदल जाना भी चाहें तो ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 17 महीनों तक का टाइम लग जाएगा। तो आखिरकार इतनी बड़ी वॉल को किसने और क्यों बनाया था, और क्यों सदियों से लोग ये मानते हैं कि इस वॉल के नीचे हजारों से भी ज्यादा कब्रों को छुपाया गया था, तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज से हजारों साल पहले एंशियंट चाइना में अलग अलग छोटी ट्राइब हुआ करती थी, जिसमें से वी ट्राइब, जाओ ट्राइब, ची ट्राइब और हैंग जैसी ट्राइब शामिल थी, जिन्होंने अपनी ट्राइब को दूसरी ट्राइब के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अपनी टेरिटरीज पे छोटी छोटी वॉल्स बनाना शुरू किया। शुरुआत में ये वॉल्स एक बॉर्डर की तरह ही एक्ट करती थी, ताकि वो अपनी टेरिटरी को मंगोल्स इन्वेजन से भी बचा सके। पर उस टाइम पर ये वॉल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, बल्कि इनमें से कुछ पैरेलल थी और कुछ एक दूसरे से काफी दूर हुआ करती थी, लेकिन एयर 221 BC के आसपास चीन ट्राइब के किंग जेंग सभी छोटी ट्राइब्स को कॉन्कर करके और पूरे हिस्सों को एक एम्पायर में जोड़कर चाइना के फर्स्ट एम्परर बनते हैं, और चाइना में चिन डायनेस्टी का आगाज होता है और पूरे चाइना में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो पाती है, जिसके बाद किंग जेन इस वॉल के कुछ हिस्सों को तोड़ने का फैसला करते हैं। ये वो हिस्से थे जो चीन एम्पायर को दूसरे छोटे छोटे स्टेट से डिवाइड करते थे, और बाकी जो बचे हुए वॉल के हिस्से थे उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करवा देते हैं, जिसके बाद जाकर ही चाइनीज लोग इस वॉल को लॉन्ग वॉल के नाम से बुलाते हैं। और क्योंकि इस वॉल के कुछ हिस्से माउंटेन में, कुछ प्लेन एरियाज में और कुछ डेजर्ट जैसी जगहों में थे, इस वजह से कंस्ट्रक्शन लेबर उन्हीं जगहों के लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया करते थे इस वॉल को बनाने के लिए। इसी वजह से इस वॉल के माउंटेन वाले हिस्से को स्टोन से बनवाया गया है और बाकी प्लेन वाले हिस्सों को मिट्टी और दूसरे मटेरियल से ही बनाया गया। चिन डायनेस्टी के बाद हान डायनेस्टी और सुई डायनेस्टी भी इस ग्रेट वॉल के कुछ हिस्सों की मरम्मत करवाते और कुछ हिस्सों पर नया कंस्ट्रक्शन भी करवाकर वॉल को और बड़ा करते हैं। वहीं 14th सेंचुरी के टाइम पर मिंग डायनेस्टी के लोग मंगोल से बैटल ऑफ टूमी बुरी तरह हार जाते हैं, और इस कंफ्लिक्ट के लिए मिंग डायनेस्टी मंगोल के खिलाफ एक नई स्ट्रेटजी बनाते हुए वो चाइना के नदन बॉर्डर पर इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हिस्सों को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन भी शुरू करते हैं, ताकि ये वॉल चाइना को मंगोल्स के नदन साइट के हमले से प्रोटेक्ट कर सके। और तो और मिंग डायनेस्टी के टाइम पर कंस्ट्रक्ट किए गए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हिस्से ज्यादा मजबूत थे पहले की डायनेस्टी के बने हिस्सों से, क्योंकि मिंग डायनेस्टी ने इस बार ब्रिक्स और स्टोन दोनों का ही इस्तेमाल किया था वॉल को बनाने के लिए। इसके अलावा उस टाइम पर ब्रिक्स को जोड़ने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि एंशियंट चाइना ने इन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए स्टिकी राइस का इस्तेमाल किया। और तो और मिंग डायनेस्टी ने इस वॉल पर 25,000 से भी ज्यादा वॉच टावर का भी कंस्ट्रक्शन करवाया, ताकि चाइनीज सोल्जर इस वॉल पर पहरा दे सके। आज के टाइम पर बेडालिंग, म्यूशानियो, सिमाताई जैसे फेमस सेक्शन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जो हम हर जगह पर देखते हैं, इन सेक्शंस को भी मिंग डायनेस्टी के टाइम पर ही बनाया गया था। इसी वजह से द ग्रेट वॉल की ये सेक्शन इतने सालों बाद भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसके अलावा इस वॉल को इतनी बार बनाया और तोड़ा गया है कि इस वॉल को कंप्लीट होने में तकरीबन 22 सेंचुरीज का टाइम लगा था, क्योंकि इस वॉल की पहली नींव 220 BCE के आसपास रखी गई थी, और लास्ट टाइम इस वॉल पर एयर 1644 CE में कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसके अलावा सबसे पुराना रिटन रिकॉर्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मिलता है एयर 1346 के आसपास का, जब नॉर्थ अफ्रीकन ट्रैवलर इब्ने बतूता युआन डायनेस्टी के टाइम पर चाइना विजिट करते हैं और अपने ट्रैवलॉग में इस माइटी वॉल का जिक्र करते हैं, और साथ ही इब्ने बतूता इसको कुरान में लिखे एक किस्से से भी एसोसिएट करते हैं कि किस तरह एक वॉल को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने लोगों को जूज और माजूज की तबाही से प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया था। और तो और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पूरी दुनिया में चर्चा के बावजूद भी किसी यूरोपियन ने कभी भी इस वॉल को नहीं देखा था,
लेकिन 16th सेंचुरी में यूरोपियंस के चाइना पहुंचने के बाद और चाइनीज के ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ ओपियम वॉर हारने के बाद चाइना ने अपने बॉर्डर्स फॉरेन मर्चेंट्स और दूसरे विजिटर्स के लिए खोल दिए, जिसके बाद जाकर ही चाइना के बाहर के लोग इस ग्रेट वॉल को देख पाए। लेकिन इस वॉल के पूरी दुनिया के सामने आने के बाद से ही इससे जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आने लगी, और इन्हीं में से कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से कि चाइना की इस वॉल को सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं बल्कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की तरह भी बनवाया गया था। जी हाँ, क्योंकि इस वॉल के अंदर हजारों सिपाही और एम्परर्स तक को दफना दिया गया था। भले आज के लोग इसे सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी ही मानते हो, पर एक्चुअली में काफी हिस्टोरियन के हिसाब से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सच में दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान में से एक है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल को बनाने के लिए हद से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस का भी इस्तेमाल हुआ था। और हिस्टोरियन के एस्टिमेट के हिसाब से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 1 मिलियन से भी कहीं ज्यादा वर्कफोर्स लगी थी, जिसमें से मेनली सोल्जर्स, पेजेंट्स, स्लेव्स और तो और बंदी बनाए हुए लोग भी थे जिन्होंने मिलकर इस वॉल को बनाया था। और एक एस्टिमेट के हिसाब से इस वॉल के गांसू से शंघाई वाले 3,000 माइल जितने लंबे हिस्से को बनाने में 4 लाख से भी ज्यादा वर्कफोर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उस टाइम पर इस कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी लेबर्स मरे थे सभी को इस वॉल के फाउंडेशन के अंदर ही दफना दिया गया था। और उस टाइम पर चाइना में इस वॉल के कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करना सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। और अगर किसी भी शख्स की मौत इस वॉल के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हो जाती थी तो उस शख्स की जगह पर उनके फैमिली मेंबर्स को जबरदस्ती इस वॉल के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया जाता था। हालांकि इस वॉल के अंदर कब्रिस्तान होने की बात काफी हिस्टोरियन ने लिखी है, पर कभी भी इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल क्लेम नहीं मिलता। लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग और काफी चाइनीज लोग भी ये मानते हैं कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन हजारों से भी ज्यादा लेबर्स की लाशों पर हुआ है। इसके अलावा 20th सेंचुरी में ही जाकर बड़े एफर्ट्स के बाद ये एंशिएंट वॉल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपनी जगह बना पाई। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कब्रिस्तान के ऊपर बनी है, या ये सब सिर्फ हिस्टोरियन ने पुराने डायनेस्टी को बदनाम करने के लिए ही लिखा था? आप लोग अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।